नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे टीम इंडिया का सबसे धाकड़ बल्लेबाज एक बार फिर से इंडिया में वापसी कर रहा है और ये बल्लेबाज कोई और नहीं बल्कि भारत का दिग्गज खिलाड़ी केएल राहुल है। जी हां, आपको बता दें, केएल राहुल की सेकेंड ओडीआई के लिए टीम इंडिया में वापसी हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब ईशान किशन ने अभी पिछले ही मैच में अच्छी और शानदार परफॉर्मेंस की है तो फिर किसकी जगह पर रोहित शर्मा केएल राहुल को मौका देने वाले हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भारत वेस्टइंडीज के बीच अहमदाबाद में वनडे सीरीज की शुरुआत हो गई है। इस सीरीज का पहला मुकाबला भारत ने 6 विकेट से जीता था। बता दें कि टीम इंडिया के लिए इस मैच में कप्तान रोहित शर्मा और ईशान किशन ने पारी का आगाज किया। शिखर धवन के कोरोना संक्रमित होने की वजह से ईशान को इस मुकाबले में रोहित के साथ ओपनिंग करने के लिए बुलाया था, लेकिन अब रोहित समेत ईशान की जोड़ी अगले मुकाबले में फिर से आप सभी को शायद नजर आए। अहमदाबाद में खेले गए वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में रोहित और ईशान की जोड़ी ने शानदार साझेदारी की। हालांकि इसके बाद ईशान किशन 28 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि रोहित ने इस दौरान शानदार 60 रनों की कप्तानी पारी खेली। इस मुकाबले में रोहित के साथ धवन दिखाई देते, लेकिन वो कोविड-19 पॉजिटिव होने की वजह से इस सीरीज में नहीं खेल पा रहे हैं। हालांकि अब अगले मुकाबले में केएल राहुल की वापसी होगी। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि ईशान किशन को ओपनिंग नहीं करवाई जाएगी। जी हां, केएल राहुल भारतीय टीम के अनुभवी बल्लेबाजों में से एक हैं। उन्होंने भारत के लिए कई मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया है। बतौर ओपनर उनके प्रदर्शन पर नजर डालें। ऐसा माना जा रहा है कि कप्तान रोहित ओपनिंग के लिए केएल को अपने साथ ला सकते हैं। राहुल पहले मुकाबले में नहीं खेले थे, लेकिन इस मुकाबले में वो वापसी करेंगे। बता दें कि वनडे सीरीज के पहले ही मुकाबले में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 43.5 ओवरों में ऑल आउट होकर 176 रन बनाए। इसके जवाब में भारत ने 28 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर इस लक्ष्य को हासिल किया। और यहाँ खास बात जो रही वो ये रही कि केएल राहुल यहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन फिर भी ईशान किशन और रोहित शर्मा की शानदार पारी थी और अंत में सूर्य कुमार यादव और दीपक हुड्डा की अच्छी खासी पार्टनरशिप थी, जिसकी वजह से भारत ने इस मैच को बहुत ही आसानी से जीत लिया था। लेकिन हमारी इस वीडियो में आप सभी को पता चलने वाला है कैसे अब ईशान किशन की जगह केएल राहुल को खिलाया जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें, केएल राहुल की वापसी हो रही है और केएल राहुल पर्सनली रीजन से या फिर यूं कहें कि अपनी सिस्टर की शादी में गए हुए थे और इस वजह से केएल राहुल पहला वनडे मिस कर रहे थे। लेकिन अब केएल राहुल की एक बार फिर से वापसी हो रही है तो एक बात तो कंफर्म है कि टीम इंडिया की परेशानी थोड़ा जरूर बढ़ेगी और खास करके रोहित शर्मा की, क्योंकि ईशान किशन रोहित शर्मा के बेहद ही करीबी हैं और बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं। ऐसे में रोहित शर्मा को सोचना पड़ेगा कि ईशान किशन को ओपनिंग कराया जाए या फिर केएल राहुल के लिए ओपनिंग करना ठीक रहेगा। आपके इस पर जो भी राय है कमेंट करके बताना, साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।